आज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब रेलवे ट्रैक के ऊपरी इलेक्ट्रॉनिक के तार पर एक पेड़ टूटकर गिर गया। गोरखपुर नरकटियागंज रेलवे मार्ग पर खड्डा स्टेशन से ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाने के बाद टीमैन द्वारा लाल झंडी ड्राइवर को दिखाई गई, जहां ड्राइवर के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया। वहीं पैडमैन और ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन को रोक दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कुशीनगर जिले का गोरखपुर नरकटियागंज रेल मार्ग है और खड्डा स्टेशन के समीप जो है खड्डा पनिया और स्टेशन के बीच में एक पेड़ जो है टूट करके रेलवे इलेक्ट्रिक के तार पे गिरा है, जिसके बाद से ट्रेनों का संचालन जो है वो अभी बंद है और लगातार पेड़ को हटाने की प्रयास चल रही है। रेल के कर्मचारी यहाँ पर लगातार जो है लगे हुए हैं और हम सफर एक्सप्रेस आ रही थी जिसको एक टीमैन के द्वारा देखा गया और उस ट्रेन को जो है रुकवा करके वापस जो है खड्डा स्टेशन पर भेजा गया। 8:13 में क्या आपको पहले सूचना मिल गई थी, क्या वहाँ पर नहीं कई बजे आपको सूचना मिली है? बाद में सूचना मिली है, जब गाड़ी निकल गई है वहाँ पर यहाँ नहीं पहुँची। हाँ। तो हमने गेटमैन से संपर्क किया तब पता चला कि पेड़ गिरा है, वहाँ पर गाड़ी रुक गई है। सर क्या संभावना है, कब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी? लगभग 2 घंटे का मेमो दिया है काम करने वाले TRD विभाग के जो हैं, 2 घंटे का मेमो दिए हैं। आपकी की मैन इस समय ड्यूटी पर कौन से तैनात थे? की मैन के बारे में हमारे विभाग के आदमी नहीं ना है सर। एक बड़ा हादसा की मैन जो है वह इंजीनियरिंग विभाग के आदमी है तो उनका समय वह बता सकते हैं। वहाँ से भी 2 घंटे गाड़ी लेट थी, फिर यहाँ आने के बाद हम लोग काफ़ी गाड़ी लेट हो चुकी थी, फिर भी यहाँ खड्डा से बढ़ने के बाद वहाँ पता लगा कि पेड़ गिर गई है रेल ट्रैक के ऊपर जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और वहाँ काफ़ी 1 घंटा रुका, फिर वापस हम लोग खड्डा बैक किया ट्रेन और हम लोग खड्डा में रुके हुए हैं। अभी कोई पता नहीं है कब तक यहाँ से ट्रेन आगे निकलेगी, काफ़ी लोग सब लोग ट्रेन के परेशान हैं और जो भी आगे यात्री जाने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, बेतिया तक जाना है मुझे और मेरी फैमिली है, सब बच्चे हैं, काफ़ी परेशान हैं सब लोग इसके लेकर और काफ़ी डिले हो गया ट्रेन, और पहले से डिले थी ट्रेन और उसकी वजह से भी डिले हो गई है ट्रेन पेड़ गिरने की वजह से। कि दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं, पहले से 2 आवर्स लेट थी ट्रेन और अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, काफ़ी देर से ट्रेन खड़ी थी, बाद में पता चला कि पेड़ गिरने की वजह से रुकी हुई है ट्रेन और अभी तक तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि आगे कब तक जाएगी। सर क्या किसी तरह की सूचना दी गई है, कितने देर तक मिला? नहीं, अभी तक कोई सूचना मिली नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? वसीम हैदर। क्या नाम आपका? राकेश पासवान। रेलवे विभाग में आप क्या हैं? ट्रकमैन हूं। तो ये कैसे पेड़ गिरा आप कौन देखा? सबसे पहले हम सफर एक्सप्रेस आ रही थी, कैसे रुके? हम रुके झंडी से रुकवाए। झंडी से आप सबसे पहले देखे? हाँ हमें देखे, हमें गाड़ी के भी रुकवाए। आपने स्टेशन मास्टर को सूचना नहीं दी थी इसका मतलब? मेरी सूचना रुकवाए हैं, उसके बाद हम उधर से आ रहे थे तो उसके बाद हम दौड़ करके आए, तब उसके बाद रुकवाए, तब सूचना दिए थे। पहले आपने ट्रेन को रुकवाया? जी। CMN न्यूज़ अनुराग तिवारी, कुशीनगर। चरथावल के किसान ने जसोई पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक की मिलेभगत से काम करने वाले प्रधान पति पर क्रेडिट कार्ड में जमा कराने के नाम पर 3,50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रधान पति प्रदीप सरकारी योजना का पैसा खाते में आने पर किसान का पैसा वापस करने का आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन अभी तक किसान के पैसे नहीं लौटाए गए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा किसान अब आत्महत्या पर उतारू है। वहीं अब तंग आकर किसान ने प्रधानपति के खिलाफ SSP मुजफ्फरनगर को तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। हाँ जी, आपका नाम? बताइए पूरा मामला क्या हुआ है? कितने पैसे दिए आपने? 3.5 लाख। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये वे कहता है धुआं नारा लगा तारा कभी पढ़ाने के तो कह रहा है चेक कर लेंगे कभी कुछ कह रहा हूँ, मेरे से जो ये बात होती रहा रोज मैंने चक्करबाजी दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे देने को मैं बहुत मजबूर हूँ आत्महत्या करने के लिए। अच्छा, मौजूद कर रहा हूँ। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? मेरे पास किसान का कृषि कार्ड है। अच्छा, वो जमा नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं? हाँ। तो पर वे जिसे पैसे देते हुए क्या बोल रहे हैं आप? कह रहा कि देखोगे कभी पढ़ाने के पैसे आओगे कभी बात आओगे चाहे फलाना चिकटी जाएगा हो जाएगा खत्ते खुटे बंद हो रहे मुझे मतलब नारा लगा तो जा रहा है। अच्छा, किस आदमी का सामना आपने पैसे दिए? एक हमारे गांव का है जी सुनील है। अच्छा, उसके सामने पैसे दिए।
कब दिए थे ये पैसे? अच्छा, आपका कार्ड जमा नहीं हुआ? सबूत आपके पास क्या क्या है? अच्छा अच्छा, पूरे देश में 150वीं गांधी जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। देश की स्वतंत्रता संग्राम में कभी प्रेरणा देने वाली खादी अब भले ही नए कलेवरों में आकर बड़े नेताओं के लिए सिर्फ राजनीति की खास और महंगी पोशाक बनकर शामिल हो गई हो, लेकिन खादी के द्वारा गांधी की परंपरा को जीवित बनाए रखने की जदोजहद में लगे खादी व्यवसाय से जुड़े कामगारों की बेहद दयनीय हालत पर ना गांधीवादियों की नजर है और ना ही खादी की पोशाक पहन अपनी पहचान बनाने वाले राजनीतिज्ञों की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधी जयंती पर गांधी के नाम पर खादी निर्माण में जुटे उन कामगारों की जो आज भी दिहाड़ी मजदूरी से भी कम मजदूरी पर मुफलसी की जिंदगी बसर करने में मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पे चरखा चलाती हैं, 2 अक्टूबर के दिन सबसे महत्व माना जाता है खादी ग्राम उद्योग में। आज भी लोग खादी का उपयोग न करके आज फैशन के कपड़ों में ज्यादा महत्व कर रहे हैं। आप लोग दिन भर मेहनत करती हैं, कितना पैसा कमा लेती हैं इससे? क्या आपकी घर खर्ची चल सकती है? चलती तो नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। दूर से आते हैं, 30 रुपए तो किराया लग जाता है। बिलंदा गांव से आते हैं। डेली कितना मिलता है आपको? डेली का बता रहे हैं, ये नहीं है कि यानी काम करने के ऊपर है, जितना कर ले जाओ। मशीन बिगड़ गई तो एक भी काम नहीं होता, अगर मशीन चलती रही तो 1 किलो निकल जाता है। कभी 200 रुपए, 10 रुपए, 100, 220 रुपए लगा के मिलता है 1 किलो। 1 किलो का जी। क्या मांग है आपकी सरकार से कि भाई 2 अक्टूबर तो बड़े देश में धूमधाम से मनाया जाता जी, है मनाया भाई जाता। जो चरखा जो चला करके जो महिलाएं जो सूत तैयार करती जी, उनको क्या चीज मिलती जी? पैसा सरकार से हमारा निवेदन है कि पैसा बढ़ाए, इतने महंगाई में कहाँ खर्चा चलता है? बच्चे भी पढ़ने जाते हैं स्कूल और वहाँ से किराया लगा के आओ, खर्चा कहाँ पूरा होता है इतने में? और भी पैसा बढ़ाए इसको। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला के लिए स्पेशल यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, किस तरीके से 2 अक्टूबर मनाया जाएगा? गांधी जी का सपना था कि खादी से ही कपड़े तैयार किए जाए, आज खादी की क्या स्थिति है? 2 अक्टूबर गांधी की जन्मदिवस का 150वां वर्ष पूरा हो रहा है और इसमें हम लोग जो भी गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि आप करना चाहेंगे करेंगे, हमारी संस्था में ही भी कार्यक्रम होंगे, बल्कि हमारे कार्यक्रमों को सरकार अपने कार्यक्रमों में शामिल करती है। सरकार जैसे आज आपने देखा होगा कार्यक्रम की घोषणा हुई है फतेहपुर जिले की, जिसमें उन्होंने और कार्यक्रम दूसरी जगह दिखाए हैं करने के लिए। बाकी खादी ग्राम उद्योग का उत्पादन का बुनाई का कताई का ये सारा कार्यक्रम उन्होंने अपना ही कार्यक्रम मान लिया है कि ग्राम सेवा संस्थान फतेहपुर में, तो ये सब होगा। सुबह हम लोग प्रभात पर फिर निकल आएंगे, श्रमदान करेंगे, ये जो कुछ भी हमारे कार्यक्रम हैं वो होंगे। जैसा कि अभी आपने बताया सबसे ज़्यादा खादी को प्रॉब्लम GST से, आखिर किस तरीके से GST से प्रॉब्लम, जबकि सरकार ने तो GST के लिए अच्छी चीज़ें पहल की थी कि GST से लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा? देखिए, अब सरकार की नीति है खादी को ग्रामोद्योग मान करके ये सारा कार्यक्रम गांधी जी के समय से चला है और जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी भी बहुत तेजी के साथ मानते हैं ऐसा है। लेकिन जब से खादी के ऊपर GST आई है, भाषणों में क्या आता है मैं इस विषय में नहीं कह सकता हूँ, खादी उभर नहीं पा रही। आज भी खादी संस्थाओं के संचालक जो हैं वो भ्रमित हैं कि हमारे किस कपड़े के ऊपर GST है, किस पर नहीं है। तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो कुछ रेडीमेड पे दे रही हैं, अब कुछ ऐसा भी है जो रेडीमेड नहीं है, सरकार के मनसा वकील लोग बताते हैं कि वो भी है, कि उस पर भी जैसे गमछा है चादर है जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, इन पर भी GST है।
तो ये हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी बात, खादी में शुरू में वो लोग जो जिनके में त्याग था वो लोग आए थे, आज स्थिति ये हो गई बहुत अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे उतना पैसा जिनका जिनकी अपेक्षा है वो नहीं मिल पाता है, संस्थाएं नहीं दे पाती हैं, तो उनकी वजह से बड़ी दिक्कतें होती है। इनके कागज तैयार करना, ये सब बड़ी दिक्कत की विषय है। आज चरखा चलाने वाली महिलाएं आज भी कम ही पैसे पे वो अपना पूरी जीविका चला रही है जी, क्या उसमें किस तरीके का परिवर्तन किया जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर तो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, पर उनके लिए अभी आज दिन तक कोई पहल नहीं की गई? नहीं, पहल तो की गई अभी है, 2.5 रुपए गुंडी उनका बढ़ाया गया, तो कताई की मजदूरी मिल रही है, सरकार ने ये किया है, MDA देती है हर 3 महीने में उनके काम के ऊपर, तो ये तो सरकार कर ही रही है उनके लिए, सरकार ने जो संस्थाएं अपनी तरफ दे रही हैं, सरकार जो व्यवस्था हो सकती है उसे कर रही है, ऐसा नहीं है, और सही मायने में अब वो लोग संतुष्ट हैं। अभी आप अगर आप गए होंगे यहाँ, हमारे यहाँ कताई कर रही महिलाएं, भाई पैसा एक चीज है, ऐसी चीज है जो हर एक को जिसकी आवश्यकता है, लेकिन ये भी तो कोई देने वाला नहीं है इन लोगों को, जहाँ इज्जत के साथ खादी के अलावा छोड़ करके वो कहीं मिल सके। तो खादी का अब कैसा स्टेटस है सरकार के बदलने के बाद, मोदी जी के आने के बाद खादी का क्या स्टेटस है इसमें? खादी को मोदी जी के आने के बाद में प्रचार का बहुत बड़ा साधन मिला, वो अपने हर व्याख्यान में खादी की के प्रयोग की बात करते हैं, कुछ असर भी पड़ता है, लेकिन ये सारी झंझटें जो GST के हैं वो कहते भाई आप तो बहुत महंगा हो गया, हर आदमी हिम्मत नहीं करता है, वही चीज़ 5% में है, अब 1000 रुपए से ऊपर तक की है तो 5% में 1000 रुपए से हुई वो 1001 रुपया हो गया तो 12% चलेगी, तो ये सबसे बड़ी भी दिक्कत है। हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार इसी को कुछ लागू ही करना चाहती है, वैसे तो एक तरफ सरकार अनुदान दे रही है उनको सहायता करने के लिए, कतियों को, बुनकरों को, संस्थाओं को खड़ा करने के लिए, दूसरी तरफ ये GST जो लागू की है ये कम से कम खादी पे नहीं होगी, इसे मुक्त रखना चाहिए था। आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है खादी के ऊपर कोई कर नहीं था, यहाँ तक ब्रिटिश शासनकाल में भी नहीं था, एक बार ब्रिटिश शासनकाल ने लगाया था खादी के ऊपर, तो वो मामला गया था प्रिवी काउंसिल में, तो प्रिवी काउंसिल ने निर्णय लिया था हिंदुस्तान में एक काम ऐसा हो रहा है जो गरीबों के हित में हो रहा है, इसके ऊपर ये जो व्यापार कर है वो नहीं लगना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार को GST हटा देनी चाहिए? हाँ, कुल मिलाकर के खादी की GST हटा देनी चाहिए। क्या नाम है जैसा? मुझे मेवाराम कहते हैं। दो अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन चरखे के जिस तरीके से महत्व है, क्या आज की डेट में चरखे का वो महत्व है जिस तरीके से आप लोग अपनी जीविका चला सकते हैं? जी। कितना मिल जाता है डेली? 250 रुपये किलो है। तो डेली कितना निकाल लेती है एक दिन? डेली अगर 10 बजे से आगे तो 1 किलो निकल जाता है। 1 किलो, तो इससे आपकी पूरी जीविका चल जाती है? चलती नहीं है लेकिन चलाना पड़ता है। क्या है, जैसे 2 अक्टूबर है, कल गांधी जयंती मनाया जाएगा, गांधी जी की सबसे प्राथमिकता थी कि चरखे को देखते हुए जी। आज आप लोग इससे अपनी जीविका चला रही हैं, तो किस तरीके से आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स मिले? और पैसा बढ़ाए। और पैसा जी। तो इससे कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? 30। 30 महिलाएं अपने सेंटर में? 30 महिला। 30 है। कहाँ से आती हैं? हम निवादा। निवादा बिलंदा के आगे। डेली आप काम करती हैं? जी। डेली 250 रुपये आपको मिलता है? आपको क्या नाम है आपका? सीताराम। दो अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मना रहा था। इसी की तर्ज पर कुशीनगर के मदरसे नूर जन्नत गर्ल्स निश्वा बल्टीहा में दोनों महान पुरुषों का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुर्तजा अंसारी ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर संबोधित करते हुए कहा कि हमें गांधी जी के चले हुए रास्तों पर चलना चाहिए।
क्योंकि गांधी जी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले और इस देश को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही। और साथ ही कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम में देश को एकजुट होकर प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। सबसे पहले जो दोनों महापुरुष हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ हम ये सभी जनपदवासियों से उम्मीद करते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन है, आप और हम सब लोग मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करें, बिल्कुल प्लास्टिक आज से बैन किया जाए। हमारा आप सहयोग करिए, हमसे सहयोग लीजिए जिससे कहीं प्लास्टिक का यूज़ न किया जाए, जिससे हमारा भारत और हम बिल्कुल स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत बिल्कुल स्वस्थ रहे। अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते अल्पसंख्यक का अध्यक्ष मैं नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज का हर व्यक्ति अध्यक्ष है। रही बात अब मेरी, तो मैं समाज सेवक हूँ। मैं चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भी सेवा का अवसर मिले मैं सुचारू रूप से करने के लिए तैयार हूँ, तथा तैयार हूँ और करता रहूँगा। महात्मा गांधी जी व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री नीरज शाही ने कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम सभा परशिया में मीसकारी के काली मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई की और गांव भ्रमण कर प्लास्टिक उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर धनवंत सिंह, शैलेंद्र सिंह, सुजीत सिंह, दीपक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। भाई राज्य मंत्री श्री नीरज शाही, आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आज गांधी जयंती के अवसर पे पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेके हर लोग गांव, मोहल्ले, नगर के वार्डों में हर जगहों पे स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, जो आज स्वच्छता के साथ साथ पॉलीथीन पे जो मोदी जी का एक लक्ष्य है कि इस पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध हो जाए, प्लास्टिक बंद हो जाए, उस पर भी हम सब लोग आज गांव-गांव में जा करके जागरूक किया जा रहा है। और निश्चित रूप से एक सफल एक कार्यक्रम होगा, इससे प्रदूषण से हम सबको मुक्ति भी मिलेगा, हमारा समाज, हमारा देश, हमारे गांव का एक एक नागरिक स्वस्थ रहेगा। इसी अभियान को लेकर आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता का अभियान प्रारंभ हुआ है और पॉलिथीन पे आज से पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया। तहसील भिनगा में भाजपा सरकार के खिलाफ सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्याज के साथ साथ बढ़ती महंगाई के लिए भी उप जिलाधिकारी भनिका को एक ज्ञापन सौंपा है और साथ ही प्याज की माला भी दी गई है। 260 करोड़ का घोटाला जूता चप्पल सप्लाई में हुआ है। बताना कि जब दूल्हा जाता था ससुराल में तब ये होती थी, लेकिन अब देख लीजिए ये सीएम साहब ने 260 करोड़ के जूता चोरी किया है। आप खुद अंदाजा लगाने के लिए सीएम का क्या हाल होगा? और रही सही बात कि पूरी भारत तो पूरी दुनिया, पूरा यूपी डरा रहा है बलात्कार के दम से। आज आप सुनते होंगे रोज बलात्कार होते हैं, पूरी भारत, पूरी दुनिया, पूरा यूपी करा रहा है बलात्कार के डर से, लेकिन एक लफ्ज भी न निकला 56 एमपी के मर्द से। जिलाधिकारी बहराइच शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा थाना रामगढ़ में आगामी त्योहार श्री दुर्गा पूजा व प्रतिमा विसर्जन को लेकर शांति समिति की मीटिंग की गई, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति, मीडिया कर्मी व अन्य लोग उपस्थित रहे। पीलीभीत के बरखेड़ा नगर पंचायत में आज चेयरमैन हाजन इदरीश बेगम व बरखेड़ा नगर पंचायत आदिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में गांधी जयंती मनाई गई,
जिसमें चेयरमैन हसन इदरीश बेगम ने नगर पंचायत में सभी सफाई कर्मचारियों को ड्रेस वितरित की और सभी कर्मचारियों को स्वच्छता के बारे में बताया। नगर पंचायत के 2 सफाई कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। 2 अक्टूबर मनाया गया, आखिर 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? आज मान लिए हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए पूरे भारत देश में मनाया जाता है। हम लोगों ने बखूबी उसको मनाया है। सारे मेंबर हमारे थे, अध्यक्ष भी थी, ठीक है। इस उपलब्धि में हमने सभी अपने सफाई कर्मचारियों को वर्दी दी है, मास्क दिया है, दस्ताने दिए हैं, 2 कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया है। और आज से कल से हमारे नगर पंचायत बरखेड़ा में 2 रिक्शे चलेंगे, 5 ठेली, गीला कूड़ा अलग रखेंगे, सूखा कूड़ा अलग रखेंगे। ये हम लोगों का 2 अक्टूबर से अगले का प्रोग्राम है। 2 कर्मचारियों को पुरस्कार क्यों दिया गया? ये सबसे बढ़िया काम आज की तारीख में कर रहे हैं। आने वाले समय में हर महीने में हम 1 कर्मचारी को चुनेंगे। 12 दिसंबर को हमारे 2 साल पूरे होते हैं कार्यकाल के, उसमें हम 2 नगर पंचायत मतलब 2 कर्मचारी चुनेंगे। 5 भी चुन सकते हैं, 2 कर्मचारी तो हम चुनेंगे ही चुनेंगे, 5 अपने सफाई कर्मचारी चुन के उनको पुरस्कार देंगे। सभी मेंबरों को पुरस्कार दूंगा आने वाले समय में और अपने कर्मचारियों को दूंगा, बस। अच्छा चेयरमैन साहब, अपने बरखेड़ा नगर पंचायत में लगभग 10 वार्ड मेंबर हैं, तो आखिर 10 वार्ड मेंबर यहाँ पे आने की क्यों नहीं सोचते? आखिर क्यों नहीं आए? उन्होंने सुन के पास समय लगभग सभी आए हैं, अब ये कार्ड कोई पेपर देने गया नहीं आ पाया है। वैसे सभी आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मेंबर हमारे सभी आते हैं, सबको से सबका कार्यकाल भी सही है, सफाई व्यवस्था भी देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा भी रहे हैं सभी मेंबर।